नमस्कार दोस्तों, गोपाल्स कंस्ट्रक्शन आपको स्वागत करता हो। मैं हूँ आपका दोस्त गोपाल। तो व्यूअर्स, आज का वीडियो में आपको 20 फीट बाई 20 फीट घर का वॉक थ्रू दिखाना चाहता हूँ। और यहाँ पे आप देख लीजिए, कार पार्किंग के लिए 8 फीट जगह छोड़ा गया है, जिसमें आपको दोनों तरफ से दो विंडो देखने के लिए मिल जाएगा। और एक घर का बाएं तरफ से एक घर का एंट्री पॉइंट, चलिए आपको पूरा दिखाऊंगा। आप बस देखते रहिए ये वीडियो, बहुत सारा आइडिया आप ले सकते हैं। घर का अंदर आने के बाद आपको हॉल रूम देखने के लिए मिल जाएगा। और ये हॉल रूम को दोनों तरफ से आप देखिए तो एक किचन रूम और एक बेडरूम। तो चलिए आपको किचन रूम का साइज़ का बात करेंगे। किचन रूम का साइज 7 फीट बाई 10 फीट का। और यहाँ पे आप देखें तो वर्किंग एरिया के लिए एक डोर रखा गया है। और एक किचन रूम का ऊपर तरफ से आती है तो 1.5 फीट बाई 4.5 फीट के वेंटिलेशन के लिए रखा गया है। तो चलिए देखते हो एक घर का बेडरूम। और एक घर का साइज का बात करेगा तो 10 फीट बाई 10 फीट का। और एक घर का कोने के साथ आपको 4.5 फीट बाई 4 फीट का बॉक्स अलमारी देखने के लिए मिल जाएगा। और घर का जो सामान बहुत आसानी के साथ आप रख सकता है। यहाँ पे आके आप देखेंगे तो अटैच टॉयलेट बाथरूम। और एक घर का वेंटिलेशन के लिए 2 छोटा 1 बड़ा विंडो रखा गया है। तो चलिए बात किया जाए एक घर के सीढ़ी रूम का। यहाँ पे आप देखेंगे तो बाथरूम का ऊपर सीढ़ी रूम बनाया गया है। और यहाँ पे आपको लोहे के पाइप की मदद से सीढ़ी रूम बनाया जाएगा। तो और एक बार फिर से एक घर का लुक हाईलाइट करूँगा। पहले आप यहाँ पे इंटर किया था, हॉल रूम का साथ दोनों तरफ से 2 रूम चला गया। और दाने तरफ से किचन रूम, बाएं तरफ से बेडरूम और उसके साथ अटैच टॉयलेट बाथरूम। 20 फीट बाई 20 फीट टोटल 400 स्क्वायर फीट एक घर का प्लान करके गया है। तो चलिए आगे तरफ से, यहाँ पे आप देखिए तो पूरा जगह फ्री रखा है। ये आप ग्लास भी उपयोग कर सकते हैं घर के लिए। तो व्यूअर्स, आप देखा 400 स्क्वायर फीट में एक बेडरूम, अलावा हॉल, किचन, डाइनिंग, स्टेयर बहुत आसानी के साथ किस टाइप से बनाया गया है। तो आने वाला दिन जो एक घर का काम कंप्लीट हो जाएगा, आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वर्क तो पूरा एक स्पेशल वीडियो से लेकर आऊँगा। तो डेली बेसिस वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार।